एम न्यूज स्वागत है आप सभी का दर्शकों हमारे चैनल में एक बार फिर से। मैं आप सभी की होस्ट तृप्ति लेकर आई हूँ ये खास कार्यक्रम बॉलीवुड अनटोल्ड स्टोरी, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं आज के शो में किसी और नहीं बल्कि बॉलीवुड टाउन की टॉप मोस्ट एक्ट्रेस रही गोल्डन एरा की वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट एक्ट्रेस, जिन्होंने अपनी खूबसूरती से, अपनी नजाकत से, चुलबुली अदाओं से और अपनी टैलेंट वाले अंदाज से और स्ट्रांग कैरेक्टर से लोगों का दिल जीता। धर्मेंद्र की बेहद करीब रहने वाली उस माला सिन्हा की आज हम फिर करेंगे बात, जो कि सालों से नजर नहीं आई है पर्दे पर। माला सिन्हा की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। माला सिन्हा 80 की उम्र को पार करने के बाद किस बुढ़ापे की अवस्था में है ये हम आपको बताएंगे। दोस्तों, मैं आप सभी के साथ तृप्ति आपको बताने जा रही हूँ माला सिन्हा जिन्होंने अवार्ड रिसीव करने से पहले, दादा साहेब फाल्के अवार्ड रिसीव करने से पहले उस अवार्ड शो का इनविटेशन सख्त लेने से मना किया। उन्हें काफी तकलीफ हुई जब उनका नाम मेंशन नहीं था इनविटेशन कार्ड पर, जिसका दर्द उन्होंने छलकाया। इसके बाद बहुत कम ही शो में वो नजर आई हैं और इसलिए वो काफी कुछ कहती भी नजर आई। आइए उनकी निजी जीवन के बारे में कुछ ऐसी कहानी सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। देखिए रिपोर्ट। किसी जमाने में बॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में नाम शुमार हुआ करता था वन ऑफ द मोस्ट टॉप एक्ट्रेस वेटेरियन गोल्डन जुबली पीरियड की माला सिन्हा का। आज वो माला सिन्हा 84 साल की उम्र में किस दर्द भरे बुढ़ापे का सामना कर रही है आज हम आपको बताना चाहेंगे। माला सिन्हा जिन्होंने अपने निजी जीवन में हमेशा अपने पति से दूरियों का सामना किया फिल्मी सफ़र के दौरान, ऐसे में आज हम आपको बताना चाहेंगे माला सिन्हा जितनी बड़ी एक्ट्रेस थी उनकी बेटी प्रतिभा को इसके बावजूद बॉलीवुड इंडस्ट्री में इतनी बड़ी पहचान नहीं मिल पाई। बेटी को फिल्मों की ओर बहुत बड़ी पहचान बनाते हुए देखने का सपना माला सिन्हा का ज़रूर था, लेकिन ये सपना उनका कभी पूरा नहीं हो सका। आज हम आपको बताना चाहेंगे माला सिन्हा के बारे में। ये बात शायद आपको मालूम ना हो, लेकिन स्ट्रगल कम नहीं किया है माला सिन्हा ने। कितने स्ट्रगल से वो गुजरी हैं आपको मालूम नहीं। नेपाल से बॉलीवुड में आने वाली माला सिन्हा को बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। और तो और आपको बताना चाहेंगे, माला सिन्हा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे फिल्मों के लिए मुंबई में जब वो रहा करते थे और उनके पति जो नेपाल में थे, जो उनके नेपाली फिल्मों के को-स्टार थे, उनसे उन्हें दूरी बनानी पड़ती थी और ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। पति ने तो हमेशा सपोर्ट किया उनका, लेकिन इसके बावजूद आसान नहीं था। पति के सपोर्ट के बावजूद उनके लिए आसान नहीं था अपनी करियर को हमेशा बना कर रखना। जिस माला सिन्हा की जोड़ी धर्मेंद्र के साथ फिल्म ललकार में साल 1972 में रिलीज होने वाली इस फिल्म में आपने देखी होगी, जिस माला सिन्हा को ललकार फिल्म के अलावा देखा गया कई बड़ी फिल्मों में काम करते हुए, उन्होंने अपनी एक्टिंग से तो खूब राज किया, लेकिन क्या आपको मालूम है उनके जिस एक्टिंग की हमेशा तारीफ हुई उस माला सिन्हा ने अपने बच्चों के लिए काफ़ी बड़े सपने देखे थे। बेटी प्रतिभा का भी धर्मेंद्र के साथ मिलना कई काफ़ी खूबसूरत था। जी हाँ, माला सिन्हा की बेटी से प्रतिभा सिन्हा भी मिले थे, लेकिन आपको शायद मालूम ना हो आज उनकी बेटी भी माला सिन्हा की ही तरह फिल्मों की इस लाइमलाइट से काफ़ी दूर है, फिल्मों की इस दुनिया से काफ़ी दूर रह रही हैं। 11 नवंबर साल 1936 में हुआ था जब माला सिन्हा का, जो कि एक ज़माने की ना सिर्फ टॉप एक्ट्रेस रही बल्कि एक ज़माने की सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस में उनका नाम ही शुमार नहीं हुआ बल्कि साथ ही साथ उन्होंने अपने नाम को बहुत खूबसूरत बनाया। माला सिन्हा ने अपना दर्द छलकाया था एक इंटरव्यू में बुढ़ापे में। उन्होंने कहा, विश आई वुड हैव बीन हीरोइन इन टुडेज़ टाइम। सोचिए ज़रा, ऐसा माला सिन्हा ने क्यों कहा होगा। दरअसल ऐसा इसलिए कहा, माला सिन्हा को लेकर ऐसी बातें इसलिए सामने आई, माला सिन्हा ने बुढ़ापे में आज की एक्ट्रेसेस को लेकर अपनी बात इसलिए रखी, अपनी शिक्षा को इसलिए रखी, क्योंकि वाकई में वो उन दिनों अपने स्ट्रगल को लेकर बात करते हुए काफ़ी इमोशनल हो जाती हैं।
उन्होंने 50 और 60 के दशक में जबरदस्त काम किया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, आई थिंक द चेंज इन द फिल्म इंडस्ट्री इज फॉर गुड। इन आवर टाइम्स फिल्म मेकिंग प्रोसेस वॉज स्लो। टुडे टेक्नोलॉजी हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट। आई विश माला वुड हैव बीन हीरोइंस ऑफ टुडेज टाइम, देन इट वुड हैव बीन फन। We would all have used to jump, to get jump and fly and do a lot of other things. माला सिन्हा ने कहा, अगर उस वक्त जन्मी होती तो बात अलग होती। दादा साहेब एकेडमी अवार्ड, दादा साहेब फाल्के एकेडमी अवार्ड जब माला सिन्हा को मिल रहा था तो इस तरह से उन्होंने अपनी बातें रखी थी। माला सिन्हा ने अवार्ड शोज को लेकर और भी कई स्टेटमेंट्स दिए थे। उन्होंने कहा, आजकल टीवी में हर हफ्ते कुछ अवार्ड फंक्शंस हुआ करते हैं, उस वक्त ऐसा नहीं होता था। फिल्म फेयर अवार्ड तो मिला, इसके अलावा अवार्ड शोज इस तरह नहीं होते हैं। आज की हीरोइनों में काश मैं शामिल होती, बहुत ही ज़्यादा खुशी होती। एवरी चैनल में अगर मुझे लोग देखते तो बहुत खुशी होती। माला सिन्हा को स्क्रीन पर देखना बहुत पसंद था। बंगाली से लेकर हिंदी और नेपाली फिल्म में काम करने वाली वेटेरियन एक्ट्रेस माला सिन्हा ने इस तरह से अपना दर्द छलका कर कहा कि उन्हें स्क्रीन से कभी भी दूरी बनाना पसंद नहीं था। ये सब जानते हैं कि प्यासा से लेकर धूल का फूल, दिल तेरा दीवाना से लेकर गुमराह, हिमालय की गोद से लेकर आंखें फिल्में, माला सिन्हा की एक्टिंग को लोग आज तक नहीं भूल पाए हैं। माला सिन्हा ने अपनी एक्टिंग से किस तरह सबके दिलों पर राज किया है, ये हमने आपको हमेशा बताया। लेकिन माला सिन्हा की एक्टिंग का सफ़र जितना खूबसूरत रहा उतना ही ज़्यादा उतार चढ़ाव भी रहा। उन्होंने कहा, फिल्म इंडस्ट्री अगर उस वक्त ऐसा होता तो आर्टिस्ट को ऐसे सफ़र नहीं करने पड़ते। और फिल्म इंडस्ट्री भगवान है हमारे लिए, इसने हमें नाम दिया, पहचान दिया और दर्शकों का प्यार दिया। टैलेंट की वजह से लोग यहाँ पर रह पाए हैं। फिल्म इंडस्ट्री में बिना टैलेंट के कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जब वो स्टूडियो पहली बार गई थी उनका दिल टूट गया था। उन्होंने देखा कि कैसे गोडाउन की तरह था, ग्रॉसरी स्टोर्स एक्सेट्रा उन्होंने देखा, वहाँ पर उन्हें काम करना था और तब उन्हें बहुत अलग सा महसूस हुआ था। फर्स्ट डे शूट का भी बहुत अलग था। आज भी वो याद करती हैं कैसे डायरेक्टर्स उन्हें कहा करते थे, जो कहना है करना ही पड़ेगा। आज महिलाएं फिल्म इंडस्ट्री की अपनी बात रख पाती हैं। एक्टिंग तो नेचुरल आता है, किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन माला सिन्हा का कहना था कि वो ग्रेट महसूस करती हैं कि वो इस दुनिया का हिस्सा रही हैं। माला सिन्हा ने कहा कि वो बहुत शुक्रगुजार लोगों का है जो आज भी उन्हें याद रखते हैं। लेकिन आज के ज़माने को देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि वो काश उस वक्त होती। कहा जाता है कि माला सिन्हा ने फाल्के अवार्ड का इन्विटेशन एक्सेप्ट नहीं किया था, इसलिए क्योंकि उस वक्त उन्हें काफ़ी अलग महसूस हुआ था। एक बार उन्होंने इस पर भी बयान दिया था, उन्होंने कहा, ग्रेव इनजस्टिस है ये। उन्होंने उनका नाम नहीं लिखा इनविटेशन कार्ड में फाल्के कमेटी ने, जिसकी वजह से माला सिन्हा को बहुत तकलीफ हुई थी। लेजेंडरी आर्टिस्ट के तौर पर उन्हें जब मिला तो वो बहुत खुश होती, लेकिन जब इनविटेशन कार्ड उन्होंने देखा वो शॉक थी। वहाँ पर उनका नाम नहीं था विनर्स में, आशा भोसले, पाम चोपड़ा, इनके अलावा। उन्होंने कहा, बहुत ही ज़्यादा एम्बैरस महसूस हुई थी, एम्बैरसमेंट महसूस हुआ था, जिस तरह से ऐसा लगा कि कोई थप्पड़ गाल पे लगा हो। ऐसे नाम मिला मेंशन किए उन्हें क्यों बुलाया गया। उन्होंने कहा कि काश उन्हें इन्फॉर्म किया होता एक महीने पहले कि उन्हें अवार्ड मिल रहा है, उन्हें बहुत तकलीफ हुई थी। नेक्स्ट नाइन न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का खास प्रोग्राम माला सिन्हा को लेकर। अब वक्त हो चला है आपसे यही इजाजत लेने का। ऐसे ही फिल्मी दुनिया की हसीन अदाकाराओं की अदाओं के बारे में, निजी जीवन में उनकी बदली हुई कहानी के बारे में जानने के लिए, फिल्मी सितारों की असल जिंदगी की सच्चाई से रूबरू होने के लिए आप देखते रहे नेक्स्ट नाइन न्यूज। और हर अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले। नमस्कार।